खबर चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से है। यहां कोरोना के प्रकोप के बीच राजस्थान परमाणु बिजली घर के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल रावत भाटा में परमाणु बिजली घर के बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर तैनात स्टाफ आइसोलेशन में मौजूद लोगों को ताले में बंद कर मौके से गायब हो गया। मामले की सूचना जब SDM रामसुख गुर्जर को मिली तो उन्होंने मौके पर टीम भेजकर क्वारंटीन सेंटर पर लगे ताले को खुलवाया। फिलहाल बिजली घर के कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर SDM जिला कलेक्टर को मामले की रिपोर्ट भेज रहे हैं। सामने उनके इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर को फोन किया गया और तुरंत मैंने बोला कि इनको अपने वाले क्वारंटीन सेंटर में इनको शिफ्ट किया जाए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि ये मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है घोर। फिर वहां पर एम्बुलेंस से तुरंत प्रभाव से इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया और जिसकी लापरवाही रही है चेक पोस्ट पे उस अध्यापक लोकेंद्र सिंह को सस्पेंशन भी किया गया और अन्य जो स्टाफ था उनको 17 CC का नोटिस जारी किया गया। निर्देश मिले तो मैंने RMT का जो क्वारंटीन सेंटर है NPCL का क्वारंटीन सेंटर जहाँ पे 4 व्यक्तियों को कल रात रखा गया था उसको मैं चेक करने गया तो चेक करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्वारंटीन सेंटर पे बाहर ताला लगा हुआ था, अंदर कोई भी स्टाफ डिपूट नहीं था और वो चारों व्यक्ति अंदर ताले में बंद थे। कोटा